हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगी। सभी पार्टनर एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। अगर आप सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले एंड सेंड कर दे जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड ऑन हो, जल्दी फास्ट एंड लाइक का बटन प्रेस करके भी आप बता सकते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम ये एक्टिविटी। डन करिएगा आप सभी लोग, मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले एंड सेंड कर दे। जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड करवाया उन्हें आप सेंड कर सकते हो, जिस भी आप ग्रुप के अंदर आप ऐड ऑन हो वहां पर भी आप सेंड कर सकते हैं कि लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड आज का जो सेशन उसे मैं ही होस्ट करने वाली हूँ। मेरा नाम भावना शर्मा है एंड इस सेशन का अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री का आप सभी लोग पार्ट बन चुके हैं, वो पर्सनल केयर और स्किन केयर इंडस्ट्री में डील करती है। और पर्सनल केयर स्किन केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक इंसान के लाइफ टाइम तक साथ रहती है। उसके कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है उसके मरने तक ये इंडस्ट्री उसके साथ रहती है। जिस इंडस्ट्री के आज मैं आपको ट्रेनिंग देने वाली हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये सेशन आप सभी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, विद डायरी पेन इस सेशन को अटेंड करें आप सभी लोग। डायरी पेन आप सभी के पास होना चाहिए। विदाउट डायरी पेन कोई भी पार्टनर इस सेशन को अटेंड ना करे, बिकॉज कोई भी मतलब नहीं बनता अगर हमारे पास डायरी पेन नहीं है हम सेशन अटेंड करते हैं। बाकी आप सभी के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, होप आप सभी ने अपनी डायरी पेन ले लिया होगा। मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप सभी का वेलकम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी ने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया। सिर्फ हमारी ही कंट्री में नहीं, 160-170 देशों की लाइफ को चेंज किया, लोगों की लाइफ को चेंज किया, इतने सारे देशों की मिलियनेयर बनाए, इतने सारे लोग ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं और लोगों के घरों में एक अच्छी हेल्थ पहुंचाई सिस्टम प्रोजेक्ट ने। बाकी आगे कंटिन्यू करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरा नाम भावना शर्मा, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सेल्फ मेड मिलियनेयर हूँ, को-फाउंडर हूँ विन 23 कम्युनिटी के अंदर एंड मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की बात करूँ तो 3 साल पहले मैंने स्टार्टअप किया था। इससे पहले बाय प्रोफेशन टीचर थी, जहां पर अपनी डेली नीड्स के लिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि मुझे वहां पे जो सैलरी ऑफर हुई थी वो 8 से 10 हजार में सैलरी लिया करती थी। और आज के टाइम में 8 से 10 हजार में क्या होता है आप सभी को खुद को भी पता होगा एंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। 1.5 साल मेरा फॉरएवर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग वाला रहा एंड उसके बाद मैंने मैनेजर लेवल को हिट किया। 28 नवंबर को मैं सिस्टम में आई, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई। 1.5 साल में यहाँ पे मैनेजर बनी, 1 से 1.5 साल लगा और राइट नाउ की बात करूं हम 6 फिगर अर्नर मिलियनेयर बन चुकी हूँ एंड आई अचीव माय ड्रीम कार ऑलरेडी। सिस्टम से अपनी ड्रीम कार मैं ऑलरेडी यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ, किया साल्टोस एंड 50 से भी ज्यादा मेरी टीम में मिलियनेयर क्रिएट हो चुके हैं एंड अब हम हेल्प करते हैं यंगस्टर्स की उन्हें भी सेल्फ मेड बनाने में वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के थ्रू। बाकी दैट इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल भावना शर्मा _official23, स्क्रीनशॉट ले ले, फॉलो भी कर ले इस अकाउंट को एंड जैसा भी सेशन लगा एट द एंड रिव्यूज भी जरूर दीजिएगा। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो सेशन है पर्सनल केयर एंड स्किन केयर का। देखो हम जब भी सुबह उठते हैं मॉर्निंग के अंदर सबसे पहले हम बाथरूम की तरफ जाते हैं और अपना पेस्ट उठाते हैं। पेस्ट कोई भी हो सकता है, हमारे बाथरूम में हो सकता है, कोलगेट हो सकता है, दंत कांति हो सकता है, कोलगेट टोटल हो, क्लोजअप हो, कोई भी ब्रांड का हम एक्सवाइजेड पेस्ट यूज करते हैं। लेकिन क्या आप सभी को पता है ये जो पेस्ट हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल यूज किया जाता है, जिससे क्या हो रहा है, इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। ये मैं नहीं बोल रही, न्यूज़पेपर की कटिंग है आप सभी के सामने। और एक और चीज, इसके अंदर एक केमिकल यूज किया जाता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये क्या है, दंत कांति का पेस्ट है। और आज आप बाथरूम के अंदर जाकर चेक जरूर करिएगा, आपको पता लगेगा एग्जैक्टली हो क्या रहे। आप चेक करिएगा अवेलेबल फ्लोराइड कंटेंट 924 ppm अप्रोक्सीमेटली, जो कि दंत कांति के अंदर डाला गया है और सभी पेस्ट के अंदर आपको मिलने वाला है। अब सोच के देखो ये होता क्या है, सोडियम फ्लोराइड हर पेस्ट में मिलेगा, इससे होता क्या है। फ्लोराइड की अगर हम साइड इफेक्ट चेक करें तो सबसे पहला कैंसर ही है, ये स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे आपके शरीर में कैंसर का रूप बन जाता है। आपने देखा होगा एक चीज की पहले के टाइम में ना जो गुटखा पान वगैरह खाते थे उन्हें कैंसर होता था, लेकिन आज के टाइम में बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारा इसके पीछे एक रीजन है वो हमारा पेस्ट है, जो हम पेस्ट कर रहे हैं। ब्रेन डैमेज, बोन मिक्सनेस, डेंटल फ्लोरोसिस, IQ लोअर होना, इनफर्टिलिटी की, बच्चे नहीं होते, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम, नपुंसकता की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ना इसी की वजह से हो रही है, फ्लोराइड की वजह से हो रही है। अब एक चीज बताना, हम पेस्ट यूज कर रहे हैं, हम अपनी जीभ के ऊपर वो पेस्ट हमारे टच हो रहा, तो वो क्या हमारी खून में नहीं जा रहा, हमारे नर्व्स में नहीं जा रहा, वो जा रहा है, ठीक है, ये स्लो पॉइजन है। इसके अलावा बात करूं, खुद सोच के देखो,
हमारे पेस्ट के अंदर जहर है और वो हमारे ब्लड में जा रहा है। आपने एक और वार्निंग पढ़ी होगी, हर पेस्ट के ऊपर ना एक वार्निंग दी जाती है कि कम उम्र के बच्चे नियर अबाउट 7 ईयर्स ऑफ एज को यूज ना करवाए, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को पेस्ट यूज ना कराए। क्यों? क्योंकि बच्चे पेस्ट खा लेते हैं और वो आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। अंडरस्टैंड करना इन सारी चीजों को, हमने कभी भी इन वार्निंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, राइट। एंड रही बात, देखो हम पेस्ट करना छोड़ तो सकते नहीं है, बिकॉज अगर मैं बात करूं कि पेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो दांत हमारे खराब हो जाएंगे। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में हम क्या कर लेते थे, पहले के टाइम में दातुन वगैरह कर लेते थे, नीम की लकड़ी चबाते थे, और जिससे क्या होता था एंटीबैक्टीरियल होती थी जो कि, लेकिन आज की रोजमर्रा जिंदगी के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम बहुत ही ज्यादा बिजी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई भी नीम की लकड़ी तोड़कर दातुन करें। तो हम क्या चीज करते हैं, जल्दबाजी वाला टाइम ज्यादा आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, हम पेस्ट उठा लेते हैं। देखो पेस्ट करना जरूरी है, लेकिन इसको आप मार्केट के जो पेस्ट है उनसे रिप्लेस करके आप फॉरएवर का ब्राइट टू जेल यूज कर सकते हैं। अब फॉरएवर के ब्राइट टू जेल में फर्क क्या है वो बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरएवर का जो ब्राइट टू जेल है, सबसे पहले क्या चीज है, इसमें कोई भी फ्लोराइड नहीं है। इकलौता ऐसा पेस्ट इस दुनिया का जिसमें फ्लोराइड नहीं है, नो फ्लोरेसिस, इसमें कोई फ्लोरेसिस नहीं है। बना कैसे, एलोवेरा और प्रोपोलिस से बनाया गया है, और जो कि दो नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो दांतों रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, दांतों रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मुंह से स्मेल आना, दांतों का पीला पड़ना, है ना, इसके अलावा गम ब्लीडिंग, पाइलिया की प्रॉब्लम, जैसे खून वगैरह आता है ना, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। इसके अलावा ये पेस्ट करने के ही फायदे नहीं है, इसके और भी वेरियस बेनिफिट्स है। सर दर्द है, सर दर्द हो रहा है, सर पे लगा सकते हो इस पेस्ट को, सर दर्द ठीक हो जाएगा। पेट में दर्द है, पानी में घोल के थोड़ा सा पी सकते हो, गुनगुने पानी में, ठीक हो जाएगा। लूज मोशन लगे, पानी में घोल के ले सकते हो। इसके अलावा बात करूं तो आपके कोई जल गया है, कट गया है, कोई घाव है, पिंपल्स है, वहां पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो, फेस वॉश तक आप इससे कर सकते हो। सोच के देखो कितने सारे वेरियस बेनिफिट्स, अगर इसे हम खा भी लेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, उल्टा आपके पेट के अंदर की भी प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देगा। और अगर मैं बात करूं इस पेस्ट को, अगर आपने सर्च कर रहे गूगल पर डालना वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, दुनिया की सबसे बेस्ट टूथ जेल कौन सी, एक ही ब्रांड का नाम आएगा, फॉरएवर, यही ब्राइट टू जेल आपको नजर आने वाली है। सोच के देखो कितनी वंडरफुल ब्राइट टू जेल है। और अगर मैं बात करूं तो देखो इसके अंदर एलोवेरा है, और आपको पता ही है कि एलोवेरा कितनी ज्यादा जो कि फायदेमंद होती है, एंड एंटीबायोटिक भी बोला जाता है एलोवेरा को, राइट। तो ये चीज है कि आप इसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का एक अलग भी तरीका है, इसको ऐसे नहीं हमने लगाया ब्रश पे और सिंपली कर लिया, नहीं, ये इसका तरीका नहीं है। आपने क्या करना है, आधे मटर जितना दाने आपने फिंगर पे लेना है पेस्ट को निकाल कर। उसके बाद क्या करना है, आपके जो मसूड़े है ना, मसूड़ों पे मसाज करनी है हल्की 2 से 3 मिनट, और उसको छोड़ देना है लगा के। क्या करना है, पेस्ट को दांतों पे मसूड़ों पे लगाकर छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के बाद। क्या करना है, ब्रश लेना है, वो भी सॉफ्ट ब्रिसल वाला, उसके बाद हल्के ब्रश से आपने क्या करना है, क्लीन करने दांत, उसके ऊपर पेस्ट नहीं लगाना, अगेन ब्रश लेना है हल्का, और जो आपके दांत पे पेस्ट लगा होता है ना उसको हल्का हल्का आपने क्या करना है, हल्का हल्का ब्रश करना है और कुरली कर लेनी है आपने। और क्या होगा, आपके जो दांत होगी ना उसकी हेल्थ बढ़ जाएगी। किसी को सेंसिटिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठंडा गर्म मीठा बहुत ज्यादा लगता है ना, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैंने खुद पर्सनली इसके रिजल्ट लिए, मुझे सेंसिटिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, एंड मेरे को गर्म भी बहुत ज्यादा लगता था, मुझे ठंडा भी, मेरे दांत में पेन होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन इस सिस्टम, इस फॉरएवर ये सिस्टम मुझे मिला, देन फॉरएवर ब्राइट टू जेल मैंने जब यूज किया, इसके मुझे बेनिफिट्स पता लगे, तो मैंने सेम ये चीज करनी स्टार्ट करी। 3 से 4 दिन में मेरे सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम ही खत्म होगी। आज मैं इसकी बहुत अच्छी यूजर हूँ। मैं क्या, मेरी पूरी की पूरी फैमिली में से ब्राइट टू जेल यूज होता है। हमने मार्केट के जितने भी टूथ जेल थे, टूथपेस्ट है, सबको टाटा बाय बाय कर दिया। तो आपके घर में एक अच्छी हेल्थ भी आ जाती है इन प्रोडक्ट्स के थ्रू, और आपको उनकी पावर भी पता लगती है, राइट, अच्छी हेल्थ भी आपकी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखो पेस्ट तो हमने कर लिया, उसके बाद हम सोप, अब नहाते हैं, है ना, नहाते क्यों है, बॉडी की क्लींजिंग के लिए, साफ सफाई के लिए। अब साबुन भी कलरफुल सोप्स आपको मिलेंगे अपने बाथरूम में, हो सकता है अलग से रखा हो सकता है लाइफ बॉय टोटल रखा हो सकता है गोदरेज नंबर 1 रखा हो सकता है डिटॉल रखा हो, कोई भी साबुन मार्केट से हम लेकर आते हैं, वेरियस सोप्स लेकर आते हैं। अब एक चीज चेक करना, मार्केट से जो भी सोप लेकर आते हैं, लेकर कहां से, क्योंकि हमने टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखा, आपने देखा होगा टीवी पे दिखाते हैं लक्स, है ना, गुलाबों का रस से बनी हुई है साबुन। सोच के देखो, एक रोज की स्टिक मार्केट के अंदर 50 रुपए की मिलती है,
और इसमें क्या है गुलाब का रस मिला दिया, वो भी और मिल कितने में रहे 10 रुपए में। सोच के देखो ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए की जाती है। और एक और चीज सर्कल में चेक करिएगा, एमआरपी 10 रुपीज और नीचे लिखिएगा टॉयलेट सोप। सोच के देखो जो लक्स साबुन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, टॉयलेट सोप है। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। सोच के देखो तंदुरुस्ती साबुन से आएगी, तंदुरुस्ती तो मैं फूड खाने से आएगी, खाना खाने से आएगी, दूध से आएगी, दही से आएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज बोली जाती है कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब यहाँ पे जर्म से प्रोटेक्शन करता है, अंडरस्टैंड करना। ये भी क्या है, टॉयलेट सोप। देखो टॉयलेट तीन सोप, तीन तरह की सोप होती है, एक होती है बाथ सोप, एक होती है टॉयलेट सोप, एक होती है कार्बोलिक सोप। बाथ सोप कौन सी होती है, जिससे हम नहा सकते हैं। टॉयलेट सोप आपको पता ही है हाथ वगैरह वॉश करने के लिए, फॉरेन में कोई भी टॉयलेट सोप से नहाता नहीं है, कुत्ते बिल्लियों को भी नहलाया जाता है। और फिर आती है कार्बोलिक सोप जिसको जानवरों को नहलाया जाता है। एंड फॉरेन कंट्री के अंदर बात करूं ना, यूरोप के अंदर मोस्टली अपने कुत्ते बिल्लियों को लाइफ बॉय से नहलाते हैं। अंडरस्टैंड करना ये सारी चीजें। लेकिन हम यहाँ पर खुद अपने ऊपर ये सोप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा गोदरेज नंबर वन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, टॉयलेट सोप है अगेन। बिकॉज ना हर एक सोप के अंदर एक टीएफएम होता है। टीएफएम क्या होता है, टोटल फैटी मैटर, राइट। जिसका टीएफएम जितना परसेंटेज में ज्यादा होगा वो उस बाथ सोप में आएगी। और 80% से जितने भी ऊपर की जो सोप होते हैं जिसके अंदर 80% से ज्यादा टीएफएम होता है, राइट, टोटल फैटी मैटर होता है, ग्लिसरीन वगैरह होता है, तो उसके अंदर क्या होता है वो बाथ सोप, वो नहाने वाली साबुन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप चेक करना डेटॉल भी, कोई भी सोप आप यूज कर रहे हैं, सारी की सारी क्या है, टॉयलेट सोप। समझ रहे हो इस चीज को। तो यहाँ पर आप क्या चीज है, इन सभी की सभी सोप के अंदर होता है, इनके अंदर ना बहुत ज्यादा हार्श केमिकल यूज किए जाते हैं। अब वो इतने ज्यादा हार्श केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन के मॉइस्चराइजर को खत्म कर देते हैं। आप नहाकर आइएगा, आप जब नहाकर आते देखिएगा आपकी जो स्किन होती है ना व्हाइट वेट, आप एक हल्का सा नाखून मार के देखिएगा आपकी स्किन पे ना व्हाइट कलर की परत आ जाएगी, है ना। वो स्किन हमारी क्या हो जाती है, हमारी स्किन से मॉइस्चर खत्म हो जाता है। और ये क्या करते हैं, इतने हैवी केमिकल्स इन सॉप्स के अंदर मिलाए जाते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम और भी वेरियस प्रॉब्लम्स के लगने के डिजीजेस बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब सॉप को हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉरएवर ने हमारे लिए वर्ल्ड का बेस्ट सॉप बनाया है जिसको एवोकाडो सॉप बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100% नेचुरल एवोकाडो बटर से बना हुआ है। ये जो सोप है एवोकाडो और एवोकाडो बटर, एवोकाडो फ्रूट की बात करूं तो बहुत ही महंगा फ्रूट है मार्केट में, अगर आपको बताना चाहूं तो, उस फ्रूट से ये सोप बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एलोवेरा के भी गुण है, और इसके अलावा बात करूं तो इसके अंदर आपको सनस्क्रीन के गुण भी पाए जाएंगे। ये क्या करेगी, ये सन से भी आपको प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। और हर एक स्किन टाइप के ऊपर ये एवोकाडो सोप बेनिफिशियल है, हर एक स्किन टाइप, चाहे आपकी ऑयली हो, चाहे आपकी नॉर्मल हो, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, हर एक स्किन टाइप का इंसान इसको यूज कर सकता है। आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को बनाए रखती है, मॉइस्चराइजिंग लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, पीएच बैलेंस करती है। पीएच बैलेंस क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो हमारी हर स्किन का होता है 4.5 to 5.5, उसको भी नेचुरल तरीके से ये मेंटेन करके रखती है। और क्या चीज है, इसके अंदर पोटाशियम इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एवोकाडो सोप के अंदर। और ये क्या करती है, किसी भी तरीके का एंटीबैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे हुआ, कोई एंटी फंगल कोई चीज हमारे बॉडी पे, कोई दांत खुजली वगैरह की सोराइसिस की प्रॉब्लम है हमें, तो वहां पर भी ये बहुत अच्छी जो कि इसके रिजल्ट है अगर आप एवोकाडो सोप को वहां पर यूज करते हैं। कोई भी स्किन टाइप की प्रॉब्लम हो वहां पर आप एवोकाडो को इजिली यूज कर सकते हैं। और आपके कॉम्प्लेक्शन को भी साफ करने का काम करते हैं, अगर आप एवोकाडो यूज करते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी साफ होता है, कलर आपका जो कि रंगत को सुधारने का काम करता है, राइट। तो आप इसको यूज करिएगा, बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो हमारे प्रोडक्ट है एलोलिप, पर्सनल केयर को अभी हम कवर कर रहे हैं। एलोलिप्स की अगर मैं बात करूं तो देखो मार्केट से वेरियस पेट्रोलियम जेली बाम्स लेकर आता है, लिप बाम्स लेकर आता है, क्योंकि अभी आपको पता है सर्दी है, एंड सर्दी हो चाहे गर्मी हो हम ना बाम वगैरह यूज करते हैं। जब भी क्लाइमेटिक चेंज आता है तो मेरे होंठ वगैरह फटने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि क्या चीज अभी होंठ वगैरह फटने लग जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मार्केट से बाम वगैरह लेकर आते हैं जिससे हमारे मॉइस्चर खत्म हो जाता है लिप्स से, उसको मेंटेन करने का वो काम करे। लेकिन जो मार्केट से हमें काफी सारी जेलीज मिल रही है, पेट्रोलियम जेलीज या काफी सारे जो बाम्स मिल रहे हैं, इनके अंदर एक लेड कंटेंट मिलाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है।
लेड कंटेंट बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ये क्या करता है, आपकी स्किन कैंसर देने का आपको काम करता है अगर हम इसको लिप्स पे रेगुलरली अप्लाई करते हैं मार्केट से। तो क्या चीज, और देखो लेडीज क्या करते हैं, लिपस्टिक वगैरह को यूज करते हैं, लिपस्टिक के अंदर भी लेड कंटेंट होता है जो कि क्या करता है, स्किन कैंसर का भी कारण बन सकता है। एंड लेकिन देखो लिपस्टिक लगाना छोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, एलोलिप फॉरएवर ने तैयार किया बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसके अंदर बीज वैक्स, जॉजोबा ऑयल और एलोवेरा इसके अंदर मिलाया गया है। सबसे पहले अगर बात करूं तो देखो ये किसी भी वेदर कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, चाहे सूद करता है, स्मूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है आपके ड्राई लिप्स को, कहीं पर जल जाए कट जाए वहां पर यूज कर सकते हैं, काट ले कोई कीड़ा वहां पर लगा सकते हो, ओल्ड सोर्स में आप यहाँ पर लगा सकते हो, सन में जल जाता वहां पर यूज कर सकते हैं, कट्स लग जाते हैं, ग्रेजेस हो जाते हैं वहां पर आप यूज कर सकते हैं। मैजिक स्टिक इसको बोला जाता है, एक छोटी सी, इतनी छोटी सी होती है और ये इतने ज्यादा फायदे है इसके। नाइट आपके फेस पे रिंकल्स है तो आप रिंकल्स पे अपना इसको रात को अप्लाई करके सो सकते हो, पिंपल है पिंपल पे लगा के सो सकते हो, इसके अंदर जॉजोबा ऑयल है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कोई रैशेज वगैरह हो गए वहां पर आप लगा सकते हो, कि कट लग जाता है, इरिटेशन वगैरह है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं एलोलिप को। एंड जो लोग, जो लेडीज क्या करते हैं लिपस्टिक को यूज करती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले एलोलिप के एक प्रोटेक्शन लेयर देखकर उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, तो जिससे क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, आपने पहले प्रोटेक्शन दे दिया। एंड आपने देखा होगा कुछ मेल्स जो स्मोक वगैरह करते हैं, जो स्मोकर्स वगैरह होते हैं, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो ना उनके लिप्स बिल्कुल ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, उनके जो कि लिप्स का अपीयरेंस बिगड़ जाता है, काले काले हो जाते हैं, तो वहां पर डार्क अपीयरेंस हो जाता है। तो वहां पर अगर आप एलोलिप को डेली यूज कर रहे हैं ना, तो आपका जो नेचुरल पिंक कलर होता है ना, जो हमारे लिप्स का, तुमने देखा होगा जो बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे से, तो उनके लिप्स का कलर बिल्कुल ही पिंक होता है, पोल्यूशन बिल्कुल नेचुरल होता है, नेचुरल पिंक होता है। तो अगर आप इसको एलोलिप को डेली यूज करेंगे तो आपका नेचुरल कलर वापस आना शुरू हो जाता है। एलोलिप को आप मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एलो एवर शील्ड। अब देखो हम हर एक इंसान डिओड्रेंट यूज करता है, परफ्यूम यूज करता है मार्केट से, 99% लोग करते हैं, कुछ 1-2% होंगे जो नहीं करते होंगे, राइट। अदरवाइज हम मार्केट से परफ्यूम ले आते हैं, डिओड्रेंट ले आते है ना, वेरियस ब्रांड्स के। अब क्या चीज होता है, उनके अंदर एक अल्कोहल नाम की चीज डाली जाती है, मतलब इतना ज्यादा उनके अंदर अल्कोहल या गैस वगैरह डाली जाती है, जिससे क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म कर देते हैं, राइट। अब लेकिन अगर मैं बात करूं, आप क्या चीज है, वो जो बाहर के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स थे उन्हें छोड़कर आप फॉरएवर का एलो एवर शील्ड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिओड्रेंट स्टिक है, ठीक है, बाहर मार्केट का एक डिओड्रेंट आपका 1 महीने चलेंगे, लेकिन डिओड्रेंट स्टिक आपकी 4-5 मंथ निकाल देते हैं अगर आप इसको सिंगल इंसान यूज करे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर बात करूं तो वर्सेटाइल डिओड्रेंट है, ठीक है, यूनिसेक्स है, कोई भी इसको यूज कर सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, अंडर आर्म्स में यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। एंड क्या होता है, हमारी ना बॉडी के अंदर ना एक सीबीएच ग्लैंड होता है जो कि पसीना रिलीज करने का काम करता है, लेकिन हम जो बाहर से मार्केट से डिओड्रेंट यूज करते हैं ना, वो हमारे सीबीएच ग्लैंड को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पसीना रिलीज नहीं हो पाता। और क्या चीज होता है, और हमारे पसीने से बहुत गंदी बदबू आती है क्योंकि हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलो एवर शील्ड आपके पोर्स को ओपन करने का काम करता है, आपकी स्किन ब्रीद करना शुरू कर देती है, और स्टार्टिंग में आपको स्वेटिंग भी होती है ज्यादा, तो वो स्वेटिंग ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि आपके हेल्दी कर देते हैं सीबीएच ग्लैंड को, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है थोड़े दिन के बाद। तो आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडर आर्म्स में नहीं, आपके कोई रैशेज वगैरह हो गए तो रैशेज पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को दाद वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर एवर शील्ड को आप यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों के सॉक्स में से बहुत ज्यादा, पैरों में से बहुत बैड स्मेल्स आती है ना, सॉक्स में से स्मेल आती है, तो वहां पर भी आप अपने पैरों को धोकर जो कि एवर शील्ड लगा सकते हैं, सॉक्स वेयर कर सकते हैं, एंड वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो सकती है इसे एलो एवर शील्ड से, ठीक है। बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स है, बहुत माइल्ड से इसकी फ्रेग्रेंसेस, इसको यूज करेंगे और आपको इसके बेनिफिट्स पता लगेंगे। क्रैप्स जल जाते हैं, सनबर्न हो गया है, तो हर जगह आप एलो फर्स्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। वैक्सिंग के बाद आपकी सूद करता है स्किन को, वैक्स ट्रीटमेंट के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पीएच बैलेंस करता है, इजी टू अप्लाई है, और इसके अंदर एलोवेरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, पेनिट्रेट हो जाता है, स्किन में घुस जाता है,
विप्रोपोलिसिस के अंदर मिलाया गया है, जो कि क्या चीज है, एंटीबायोटिक है ना। तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहां पर भी आप एलोफर्स्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं तो सेंसिटिविटी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके हेयर के अंदर, हेयर के अंदर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, डेंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुंह में छाले लगे निकल चुके हैं, वहां पर भी आप एलोफर्स्ट को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने फेस पे भी एलोफर्स्ट को यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करना, एलोफर्स्ट को अपने फेस पे भी आप यूज कर सकते हैं एज अ क्रीम। ये अपना डिप डिप आप लगाकर, अपना डिप डिप आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है, और किसी भी तरीके की, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पर आप एलोफर्स्ट को यूज करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोडक्ट है एलो हीट लोशन। आपको पता है वेरियस पूरा के पूरा दिन ना वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम एक जॉब पे जा रहे हैं तो हमारी सिटिंग वाली जॉब होती है, राइट, सिटिंग वाली जॉब होती है, तो ना जिससे क्या होता है, मैंने बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या मतलब कि पूरा दिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, सर दर्द, टेंशन, ये सारी प्रॉब्लम, हमें नेक में पेन शुरू हो जाता है, बैक में पेन शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घर के, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं मेरे घर के अंदर लेडीज वगैरह होते हैं, घर की एक्टिविटीज काम में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द होता है। तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है एलो हीट लोशन। आपको क्या चीज कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरीके की एथलीट इंजरी वगैरह हो जाती है, जैसे कि मांस फट जाता है, या आपने देखा होगा गुम चोट वगैरह लग जाती है, मोच आ जाती है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स के पेन में, आपके नेक में पेन है, मसल्स पेन हो रहे हैं, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। स्वेलिंग वगैरह आ गई किसी पार्ट में, उसको कम करने का काम करता है, रिलीफ देने का काम करता है, पेन को खत्म करने का काम करता है, पीएच बैलेंस है। इसके अलावा बात करूं आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, ये मसाज कर सकते हो। अगर आपको टेंशन हो रही है, कोई हेडेक है, तो एक एक ड्रॉप आपने यहाँ पे फिंगर टिप्स पे लिया और यहाँ पर आप यूज करेंगे तो आपका जो कि टेंशन वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, नेक में पेन है वहां पर आप लगा सकते हो। जब भी आप लगाओ ना, उसके ऊपर आपने क्या करना है, कवर कर रहे हैं, ध्यान रखना कि हवा में नहीं आपने रखना, कंबल आप ढककर ले सकते हैं या कोई चीज की हवा ना लगे अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा बात करूं तो मसल फास्ट रिलीफ करता है, स्ट्रेस टेंशन को ठीक करता है, स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर जो होते हैं, जो हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, उससे भी हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हीट लोशन को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सिवाय स्किन पे एलो एमएसएम जेल की बात करूं तो इसके सेम बेनिफिट्स है जो एलो हीट लोशन के, सिर्फ इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि हम इसे फेस पे यूज कर सकते हैं एमएसएम जेल को। अब काफी सारे लोगों के फेस पे ना गड्ढे हो जाते हैं, पिंपल होते हैं, पिंपल जैसे कि कुछ लोग पिंपल्स के बाद ना गड्ढे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से हमारी स्किन लटक जाती है। स्किन हमारी मतलब ज्यादा उम्र के ना हो के भी हम ज्यादा उम्र के लगने शुरू हो जाते हैं, तो जिससे कि अगर आप एलो एमएसएम जेल को यूज कर सकते हैं नाइट के अंदर अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट आपके गड्ढों को भरने का ही काम करता है। आप गड्ढे भर जाएंगे तो स्किन लटकी लटकी नहीं लगने वाली, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोडक्ट है जेंटलमैन प्राइड आफ्टर शेव लोशन है, मॉइस्चराइजर ही है ये, एक तरीके से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, आप इसको आफ्टर शेव भी यूज कर सकते हैं। सनबर्न कोई हो जाता है, सनबर्न वहां पर स्किन की इरिटेशन है, और बच्चों के एक्चुअली पैम्पर वगैरह जब लगाते हैं बच्चे तो वहां पर भी रैशेज वगैरह हो जाते हैं, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइज करता है ये, और मेंस ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है ये परफ्यूम फॉर्म के अंदर आता है, नाम लाइक दो परफ्यूम आता है, 25th एडिशन फॉर मेन एंड 25th एडिशन फॉर वुमेन। परफ्यूम स्प्रे है ये, आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके दोनों बेनिफिट्स हैं। काफी सारे फ्लावर्स का अर्क इसके अंदर लाया गया है, और फ्लावर भी कोई यहाँ के नहीं है, बहुत ही महंगे कॉस्टली फ्लावर्स हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू है। बाकी आप इसको यूज करेंगे तब आपको और इसका अच्छे से पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोडक्ट है एमपीडी की अगर मैं बात करूं तो एमपीडी क्या है, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, आप देखना हम ना घर के अंदर ना मल्टीपल डिटर्जेंट को यूज करते हैं। किचन में गए, किचन में डिशवॉश बार रखी होगी, बर्तन मारने वाली साबुन, बाथरूम में गए टाइल क्लीनर रखा होगा, हार्पिक रखा होगा टॉयलेट को क्लीन करने के लिए, पोचा लगाना है फर्श के लिए, टाइल्स के लिए क्या रखा होता है हमने, फिनाइल रखा होता है, बहुत सारी चीजें, कपड़े धोने के लिए हमने अलग से डिटर्जेंट रखा होता है, सर्फ एक्सल टाइड या कोई भी हम सर्फ यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा किचन के लिए हमने कुछ और रखा होगा, हमने वेरियस प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं अलग अलग जगह के लिए, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स को साइड करके अगर आप अकेला एमपीडी, ये मल्टीपर्पज हर जगह यूज हो, बर्तन आप इससे धो सकते हो, कपड़े आप इससे धो सकते हो, टाइल्स आप इससे क्लीन कर सकते हो, टॉयलेट आप इससे क्लीन कर सकते हो, पोचा आप इससे लगा सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज की, ये फॉस्फोरस फ्री आपके हैंड्स को अच्छा रखता है, आपके हैंड्स की अगर मैं बात करूं, हम जो केमिकल्स भरे डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं ना आपके हार्श कर देते हैं आपकी स्किन को, राइट, लेकिन ये क्या है,
फॉस्फोरस फ्री है, बायोडिग्रेडेबल, आपके हाथों को सॉफ्ट रखने का ये काम करता है। अगर आप एमपीडी को यूज करते हैं, इससे आप पोछा भी लगा सकते हो, इससे बर्तन भी धो सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो। इनफैक्ट आप पोछा लगाने के बाद जो पानी आपका बचता है उसको अगर आप प्लांट्स में भी डाल दो ना, तो आपके प्लांट्स की भी ग्रोथ हो जाती है। बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है। बाकी आप इसे यूज करिएगा, फसलों में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। एलोवेरा की अगर मैं बात करूँ तो एलोवेरा कोई नई चीज नहीं है, एलोवेरा 21वीं सदी का फूड है। एंड एलोवेरा की आपने देखा होगा टीम में काफी सारी एडवर्टीजमेंट भी आ रही है, हर चीज में एलोवेरा, क्रीम्स में एलोवेरा आ रहा है ना, और काफी सारी चीजों के अंदर एलोवेरा मिलाया जा रहा है। डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं आपको एलोवेरा पीना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ एंड सब में एलोवेरा है ही है मेन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखो ये पर्सनल केयर का सेशन था, यहीं तक था। आगे बढ़ते हैं स्किन केयर के सेशन को, फटाफट हम कवर करेंगे स्किन केयर। अब स्किन केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर वेरियस ब्रांड्स डील कर रही है, वेरियस ब्रांड्स है, एवोन भी होगा, ओरिफ्लेम भी, हर्बल लाइफ, बहुत सारी है। लेकिन अगर बात करूं नंबर वन की, तो नंबर वन फॉरएवर है। क्यों? इसके पीछे रीजन बताती हूँ। देखो आपने देखा होगा बाहर डॉक्टर के पास आप जाते हो, स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन की ना तीन लेयर होती है मेन, थ्री लेयर्स होती है। सबसे पहली होती है एपिडर्मिस, सेकंड होती है डर्मिस, एंड थर्ड होती है हाइपोडर्मिस। जितनी भी बाहर की ब्रांड्स है, जितनी भी स्किन की स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे आपको कहां डर्मेटोलॉजिस्ट मिलेंगे। आप चेक करना कहीं पर भी स्किन स्पेशलिस्ट सर्च करोगे ना, डर्मेटोलॉजिस्ट कोई भी, और जितने भी बाहर मार्केट के ब्रांड है वो ये सारे के सारे डर्मिस लेयर तक ही जाकर काम करते हैं, सेकंड लेयर तक। लेकिन फॉरएवर लिविंग एक लौती ऐसी ब्रांड है जो हाइपरडर्मेटोलॉजिस्ट है, जो थर्ड लेयर तक जाकर वर्क करती है, स्किन की थर्ड लेयर तक, राइट। तीन लेयर होती है। देखो हमारी ना स्किन का एक रिन्यूअल प्रोसेस होता है। आपने एक चीज देखी होगी, कभी कभी ना हमारी जो स्किन है बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगने लग जाती है, कभी कभी हमारी वही स्किन डल लगने लग जाती है, कभी कभी हमारे फेस पे पिंपल आ जाते हैं, कभी कभी हमारे फेस के पिंपल गायब हो जाते हैं। आपको पता उसके पीछे रीजन क्या है? हमारी स्किन चेंज होती है। कैसे होती है? जैसे एक सांप केंचली बदलता है ना, उसी तरीके से हमारी स्किन भी चेंज होती है हर 21 से 24 दिन में। हर 21 से 24 दिन में हमारी स्किन क्या होती है? बदलती है, चेंज होती है। आपने देखो अगर दाग धब्बे आ जाते हो, दाग धब्बे गायब हो जाते हैं, राइट। कैसे होती है स्किन चेंज, उसको समझना। जो हमारी लास्ट लेयर थी ना, नीचे से ऊपर की तरफ चेंज होती है, जो हमारी लास्ट लेयर थी हाइपोडर्मिस लेयर, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वो डर्मिस में, सेकंड लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारी सेकंड लेयर थी वो हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एपिडर्मिस में। और जो हमारी एपिडर्मिस लेयर थी वो हमारी रिमूव हो जाती है, डेड लेयर होती है जो, वो क्लियर हो जाती है। बिकॉज एपिडर्मिस वो है जिस स्किन को हम टच करें, एपिडर्मिस है। डर्मिस कौन सी है? जो हमारी नर्व नसों के साथ है, और हाइपोडर्मिस जो हमारी हड्डी के साथ है, ये स्किन होती है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्किन का रिन्यूअल प्रोसेस होता है, एंड सबकी चेंज होती है। आगे बढ़ते हैं, एंड स्किन केयर में जो फर्स्ट प्रोडक्ट आता है एलो स्क्रब, है ना। मार्केट से वेरियस स्क्रब यूज करता है, वॉलनट स्क्रब आता है, प्रिकोट स्क्रब आता है, ना बहुत सारे स्क्रब हम लेकर आते हैं। लेकिन उन स्क्रब के अंदर ना बहुत ही ज्यादा हार्ड पार्टिकल यूज, अखरोट के छिलकों का क्रश कर दिया जाता है। आपको पता है कि अखरोट का छिलका कितना ज्यादा नुकीला होता है ना। और हमारी जो स्किन है ना बहुत ही ज्यादा स्मूद है, हमारी जो स्किन है बहुत ही ज्यादा स्मूद है, एंड बहुत ही ज्यादा अगर मैं बात करूं सेंसिटिविट होती है हमारी जो स्किन होती है। एंड इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इतने हार्ड पार्टिकल वाली चीजें यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी स्किन के ना पोर्स होते हैं, वो पोर्स हमारे टूट जाते हैं, सेल्स होते हैं हमारी स्किन, हमारी जो स्किन है सेल से बनी हुई है, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ वो सेल टूट जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, आप फॉरएवर का एलो स्क्रब यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी नोकीला पार्टिकल इसमें यूज नहीं किया गया है ना, अखरोट वगैरह नहीं इसके अंदर, जोजोबा इसके अंदर यूज किया गया, एलोवेरा इसके अंदर है, और विटामिन ई और सी, जोजोबा सीड्स इसके अंदर लिए गए, जिनसे माइक्रोस्पेयर लिया गया है, जो हमारे पोर्स का जो साइज होता है ना, राउंड राउंड के अंदर, ये छोटे छोटे राउंड में हमारी स्किन के पोर्स के अकॉर्डिंग ये काटे गए हों, और इतने ज्यादा सॉफ्ट है ना ये, हमारी स्किन को किसी भी तरीके का कोई भी क्या नहीं देते, कोई भी अगर मैं बात करूँ कोई गलत रिएक्शन नहीं दे करता है ये स्किन को, उल्टा हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। एंड इसको यूज कैसे करना वो भी बताऊंगी। अगर आप अपनी स्किन को यंग रखना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी स्किन से गंदगी को दूर करता है, आपके डेड सेल को रिपेयर करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपका जो डल अपीयरेंस, डल हमारी जो स्किन लगने लग जाती है उसको ठीक करता है, और हमारी स्किन अगेन ग्लो करना शुरू कर देती है। और स्क्रब को यूज कैसे करना है? सबसे पहले पानी से फेस को क्लीन करना है, उसके बाद फिंगर टिप्स में हमने एक या दो ड्रॉप लेने हैं। यहाँ हथेली में नहीं, यहाँ पे हमने लिया, और हथेली से मसाज नहीं करनी, फिंगर टिप से मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ
ऐसे नहीं ऊपर से नीचे की तरफ, गलत तरीके से भी मसाज नहीं करनी, अदरवाइज आपकी स्किन लटक भी सकती है, राइट। लेकिन पार्लर्स के अंदर हम जाते हैं, वहां पर वो हथेलियों से मसाज करते हैं, हमें क्या लगता है, हमें लगता है यार बढ़िया तरीके से हमारी मसाज हो रही है, मेरे तो स्किन पे ग्लो आ रहा है, मेरा फेस ना रेड रेड होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे वहां पर सेल टूट रहे, कितने सारे टिश्यूज टूटते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है वहां पर ग्लो आ रहा है, फिर आपकी स्किन थोड़े दिन के बाद और ज्यादा खराब हो जाती है, राइट। तो इसलिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको अच्छे तरीके से मसाज करे फिंगर टिप्स पे, क्योंकि हमारी जो फेस की जो स्किन है ना बहुत ज्यादा क्या चीज है, बहुत ज्यादा नेचुरल होती है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। एंड आपने मसाज करनी है 3 से 5 मिनट, हल्की हल्की उंगली से हल्का हल्का पानी लेते रहो, मसाज करते रहे, गंदगी साफ हो जाएगी। उसके बाद आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। उस वहां पर क्या होगा, जैसे आप फेस को क्लीन करेंगे आपका फेस ग्लो करना शुरू हो जाएगा, फेस से गंदगी साफ हो जाएगी, डेब्रिस क्लीन हो जाएगी, तो उस टाइम ना आपके पोर्स ना बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं आपके, और अगर बाहर निकलते हो ना तो पोल्यूशन बहुत जल्दी आपको इफेक्ट करता है। तो आपने प्रोटेक्शन लेयर जरूर देनी है, और आपने एलोप्रोपोलिस क्रीम आप यूज कर सकते हो, स्क्रब के बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन को अप्लाई आप कर सकते हो, सो दैट पोल्यूशन आपको हिट ना करे। ध्यान रखना अगर आप एलो स्क्रब यूज करें तो नाइट में आप यूज करें तो इसके वंडरफुल रिजल्ट है, राइट। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोडक्ट है एलोवेरा जेली। जेली की अगर मैं बात करूं तो देखो इसके अंदर एलोवेरा मिलाया गया, वो भी जेली फोम के अंदर। ये भी एक तरीके से फर्स्ट एड किट का ही काम करती है। कोई कट लग जाता है, स्क्रैप्स बर्न्स कट जाता है, कीड़ा काट लेता है, रैशेज है किसी भी तरीके का, वहां पर एलोवेरा जेली को इस्तेमाल कर सकते हो। कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, जलन है, कहीं पर पेन हो रहा है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। अगर बात की जाए तो हीलिंग, कट वगैरह लग जाता है तो जख्मों को जल्दी भरने का ये काम करता है। एक्ने की प्रॉब्लम हो, सोराइसिस एक्जाइमा की प्रॉब्लम है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे, हेयर फॉल हो रहा है, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अपनी जो की है जड़ों में आप इसको लगा सकते हो रात को, और मॉर्निंग में आप हेड वॉश कर सकते हो, जिससे आपके सर से डेंड्रफ की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी जो लाइक बाल वगैरह झड़ रहे हैं, आपके बालों की भी ग्रोथ अच्छी हो जाती है इससे। एंड आपके मेम्ब्रेन और सेंसिटिविटी एरिया के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुंह के अंदर गम इन्फ्लेमेशन हो रहा है या माउथ या नोज सोर्स हो रहा है आपको, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मैं बात करूं तो देखो बच्चे जब होते हैं ना, बच्चों के टीथ निकलते हैं तो बच्चों को ना बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, तो उनके मसूड़ों पे आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो, मसूड़ों पे, तो जिससे क्या चीज होती है, जिससे ना उनको इरिटेशन कम हो जाते हो, इजिली दांत निकाल सकते हो, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम में भी आप एलोवेरा जेली को इस्तेमाल करवा सकते हैं। पिंपल भी, पिंपल वगैरह जख्मों पे भी आप एलोवेरा जेली को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोडक्ट है एलोवेरा एलोप्रोपोलिस क्रीम। एलोप्रोपोलिस क्रीम की बात करूं तो देखो ये एक्सीलेंट स्किन मॉइस्चराइजर कंडीशनर है, और ये नेचुरल बैरियर देने का काम करता है किसी भी तरीके के स्किन इन्फेक्शन से। कोई भी स्किन इन्फेक्शन है, मुंह पे मोटे मोटे पिंपल्स निकले हुए, कोई अलग तरीके का इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन आपको हो गया, तो वहां पर भी आप प्रोपोलिस क्रीम को यूज करते हैं, तो आपकी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है और स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम को ये ठीक कर देता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कोई जल जाता है वहां पर लगा सकते हो, किसी को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वहां पर भी आप रंगत को सुधारने का काम करता है, एक्जाइमा और सोराइसिस की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करने का काम करता है। फेस पे दाग धब्बे है ना, पिंपल्स के दाग है, उनको भी ये ठीक करने का काम करता है। इसमें प्रोपोलिस है, प्रोपोलिस बिकॉज देखो प्रोपोलिस इस दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक बोला जाता है, जिसे जो कि मधुमक्खी अपने छत्ते की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती है, तो वो प्रोपोलिस इसके अंदर मिलाया गया। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी इसके अंदर, कमाइल है इसके अंदर, एलोवेरा है इसके अंदर, एलेंटाइन इसके अंदर मिलाया गया, तो हर एक स्किन टाइप के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली को इस तरीके की प्रॉब्लम में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करवाते तो ऐसे रिजल्ट है। और एक और चीज आपको बता देती हूँ, देखो हमारी स्किन का रिन्यूअल प्रोसेस आप सभी को बताया 21 से 24 दिन का होता है। अब क्या चीज है, अगर आपको ये चीज लग रही है कि मेरे स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और मैं जो कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पर्सनल केयर स्किन केयर के यूज स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करने लग जाऊं मुझे हफ्ते में रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना वो जड़ पे जाके काम करते हैं, जड़ पे काम हो रहा है, तो जड़ पे अगर काम करना है तो स्किन की थर्ड लेयर पे काम करते हैं। अब देखो जो स्किन की थर्ड लेयर है वो सेकंड में कन्वर्ट होगी, 1 महीना उसमें लगेगा, सेकंड लेयर फर्स्ट में कन्वर्ट होगी उसमें अगेन 1 महीना लगेगा, और फिर जो लास्ट लेयर थी वो डेड होगी उसमें भी 1 महीना, मतलब 3 महीने आप स्किन केयर के प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं ना अच्छे तरीके से तो आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं है कि हफ्ता कर लिया यूज, 10 दिन कर लिया यूज फिर छोड़ दिया, ऐसे रिजल्ट नहीं आएंगे, प्रॉपर वे से आपको यूज करने पड़ेंगे, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। अगला जो प्रोडक्ट है फॉरएवर मरीन मास्क,
इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या करता है, डीप क्लींजिंग और मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट इसके अंदर मास्क फॉर्म के अंदर है, हम मास्क फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट मिलाए गए, इसके अंदर एल्गी मिलाई हुई, समुद्रों से सी मिनरल इसके अंदर मिलाए गए हैं, समुद्रों से एल्गी ली हुई है, काई ली हुई, रोजमेरी इसके अंदर है, हनी इसके अंदर मिलाया गया, ककंबर इसमें है, एलोवेरा इसके अंदर है, विटामिन ई विटामिन सी इसके अंदर है। बेनिफिट्स क्या है मरीन मास्क के, जैसे कि हमारे एज स्पोर्ट्स हो जाते हैं, हमारी उम्र ज्यादा, हमारी स्किन लटक जाती है, फाइन लाइन्स या रिंकल्स या पिंपल्स की हमारी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर यूज कर सकते हो। फेस पे गंदगी है, डेब्रिज है, अब डेब्रिज को क्लीन करता है, पोर्स को ओपन करने का काम करता है। इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है, हर तरीके का मिनरल, कैल्शियम, आयरन, जिंक इसके अंदर मिलाया गया है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन की सप्लाई को ये गुड कर देता है और आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देने का काम करता है। जो स्किन ढीली ढाली है उसको टाइट कर देता है ये मरीन मास्क, और पफनेस है, स्वेलिंग वगैरह है फेस पे, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। राइट, तो आपने इसको यूज कैसे करना, नीचे से ऊपर की तरफ आपने एक ही लेयर लगानी है, बार बार नहीं लगाना। तो आप इसको छोड़ सकते हो 10 से 15 मिनट, आप मरीन मास्क को छोड़ सकते हो लगा के 10 से 15 मिनट, उसके बाद इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, उसके बाद आप क्लीन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लाइक अगर यूज कर रहे हो स्क्रब, स्क्रब के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप एक चीज कर सकते हैं, इसको 1 वीक में 1 टाइम यूज कर सकते हैं, एंड स्क्रब को आप डेली भी यूज कर सकते हो, इतना ज्यादा नेचुरल है। आगे बढ़ते हैं अल्फा इफेक्टर, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, सुपर कॉम्बिनेशन है, एंटीऑक्सीडेंट है और इलास्टिसिटी को इनहेंस करता है, नॉर्मल करता है, बैलेंस करता है ड्राई स्किन को आपकी, और मॉइस्चराइज कर देता है आपकी स्किन को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये सेंसिटिविटी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा सूटेबल है, पेनिट्रेट हो जाता है क्विकली आपकी स्किन के अंदर, ड्राइनेस और क्रैक, जो भी ड्राइनेस वगैरह होती है वहां पर आप यूज कर सकते हैं, क्रैक हील हो जाती है, एरिया फट जाती है वहां पर आप यूज कर सकते हैं, और कॉम्पैक्ट स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होती है, आफ्टर प्रेगनेंसी आ जाती है तो स्ट्रेच मार्क्स पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट है, एक तो इसके अंदर बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई मिलाया गया, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देने का काम करता है, विटामिन ए विटामिन सी इसमें आप जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है, विटामिन ई जो आपके डैमेज सेल को क्लियर करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। अगर आपको इस तरीके के स्ट्रेच मार्क्स से हमारी स्किन लटक जाती है, लूज हो जाती है, तो अगर आप यूज करते हैं तो इस तरीके के रिजल्ट है। ये सिर्फ 1 वीक का रिजल्ट है, अंडरस्टैंड करना, अगर किसी को स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है तो इसको यूज आप कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट है आर थ्री फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो स्किन डिफेंस क्रीम है। R3 क्यों बनाया गया, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे पहले आपकी स्किन को रिटेन करता है, देन रीस्टोर करता है, देन रिन्यू करने का काम करता है। बहुत ही वंडरफुल ये प्रोडक्ट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज है, इसके अंदर स्किन डिफेंस क्रीम ही से बोला जाता है, एंड ये स्टेबलाइज एलोवेरा जेल इसके अंदर मिलाया गया है, कॉलेजन इसमें, अल्फा हाइड्रोसिक एसिड इसके अंदर मिलाया गया, विटामिन ए विटामिन ई इसके अंदर मिलाया गया, जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। और एक और चीज बताती हूँ, जैसे कि कुछ लोगों को, बट इस प्रोडक्ट को आपने यूज कब करना है, आफ्टर 30 एज, इसको यंग एज में यूज ना करें, ये उनके लिए जिनकी एज 30 प्लस है उनको यूज आपने करवाना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को क्या करता है, यंग करने का काम करता है एक तरीके से। ठीक है, तो आप उन्हें यूज करवा सकते हो, अपने मदर्स वगैरह को यूज करवा सकते हो, तो इस तरीके से आपकी स्किन को ये सही कर देता है। आगे बढ़ते हैं फॉरएवर अल्यूरिंग आइज। अल्यूरिंग आइज उनके लिए है जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, जिनको डार्क सर्कल है आंखों के नीचे, उनको दे सकते हैं, जिनकी आंखों के नीचे सूजन रहती है उनको आप यूज करवा सकते हैं। अल्यूरिंग आइज आपके स्किन आई एरिया को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं, इसमें एलोवेरा विटामिन है, विटामिन ई है, इसमें जोजोबा ऑयल इसके अंदर मिलाया गया है, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाए गए, और इस तरीके की आईज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एलो लोशन। मार्केट से हम काफी सारे मॉइस्चराइजिंग लोशन लेकर आ रहे हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, उनको टाटा बाय बाय करके आप एलो लोशन को इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड क्रीम में इसके अंदर क्या चीज है, एलोवेरा है, हमारे हैंड्स के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जो कि है फायदेमंद है, और हाई कंटेंट इसमें एलोवेरा का मिलाया गया है, और डेली बेसिस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चों को यूज करवा सकते हैं, बच्चों के लिए भी हम बहुत सारे मॉइस्चराइजर लेकर आते हैं अलग अलग से, बट ये हम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। इरिटेशन है कहीं पर वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डायपर के रैशेज वगैरह वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो, आफ्टर शेव आप इसे यूज कर सकते हो, फेस पे लगा सकते हो, आप अपनी पूरी की पूरी बॉडी पे आप इसको यूज कर सकते हो। मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, नरिश करता है, और काम इफेक्ट देने का ये काम करता है। अगला जो प्रोडक्ट है एलो सनस्क्रीन।
एलो सनस्क्रीन की बात करूं तो देखो ये क्या करते हैं, इसमें एसपीएफ 30 है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज बता देती हूँ, हमारी जो स्किन है वो डेली जब हम धूप में निकलते हैं, हम जब सन के अंडर सन निकलते हैं, सन के मतलब दिन में जब हम निकलते हैं ना, तो सन से ना दो रेज निकलती है, एक यूवी ए रेज, एक होते हैं यूवी बी रेज। यूवी ए रेज हमारी स्किन और यूवी बी रेज हमारी स्किन पे बहुत ही गंदा इफेक्ट डालती है। अगर हम कोई प्रोटेक्शन लेयर निकल के ना निकले, हम नॉर्मल ऐसे ही हम अपनी स्किन को लेके धूप में निकल जाते हैं ना, तो क्या हो सकता है, तो आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम या सनबर्न वगैरह हो जाता है। वो यूवी ए रेस की वजह से रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है, यूवी बी रेस की वजह से सनबर्न हो जाता है। तो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है यूवी ए और यूवी बी रेस से प्रोटेक्ट करता है एलो सनस्क्रीन, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं तो देखो, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने क्या चीज करनी है, आप मॉइस्चराइजर आपने यूज किया फेस पे, उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन लेयर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप अपनी स्किन को यंग रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी जो यूवी ए रेज और यूवी बी रेज को ब्लॉक कर देता है, राइट। एंड दो इसके अंदर आता है, ये दो फॉर्म में आता है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से इफेक्ट करता है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी डल स्किन हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इन रेज की वजह से होता है। एंड ये दो फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में और क्रीम फॉर्म में आता है, तो आप दोनों फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉरएवर एपीब्लेंड। एपीब्लेंड की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेशली प्रोडक्ट उनके लिए बनाया गया जिनको छाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखो होगा छाइयां पड़ जाती है, सर पे पड़ जाती है, फेस पे इस तरीके के ब्लैक ब्लैक से धब्बे आ जाते हैं फेस पे, और जो कि ठीक ही नहीं होते हैं। तो अगर आप एपीब्लेंड को यूज कर रहे हैं नाइट के अंदर, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, आपके छाइयों की प्रॉब्लम को ये ठीक करने का काम करता है, राइट। बट 2 से 3 महीने आपको हर एक प्रोडक्ट को यूज करना ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी हमारा स्किन केयर तक का जो सेशन था वो यहीं तक था। एंड आपको एक और चीज बता देती हूँ, जिस इंडस्ट्री का आप सभी लोग पार्ट बन चुके हैं, हेल्थ इंडस्ट्री, स्किन केयर, पर्सनल केयर इंडस्ट्री, वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ डे बाय डे बढ़ती जा रही है, राइट। एंड पहले जो इसकी टर्नओवर थी ना इस ब्रांड की 10,500 करोड़ की थी, लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है आने वाले, अब 2022 से 2025 तक इंडस्ट्री 65,500 करोड़ की हो जाएगी। अंडरस्टैंड करना इस इंडस्ट्री की ग्रोथ किस लेवल की है। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, सोच के देखो हमारी भी तो ग्रोथ होगी, राइट और रॉन्ग। इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो हमारी भी ग्रोथ होगी। बाकी जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप सभी को बताया, तो क्या चीज है इनका, आपको रियल में इनका रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप इसको रियल में यूज करोगे। और अगर आप यहाँ पे एक बेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बेस्ट यूजर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट बिजनेसमैन वही बनता है जो बेस्ट यूजर होता है अपने प्रोडक्ट का, राइट। तो यही चीज आपको बोलूंगी कि बेस्ट यूजर बने, तभी आप बेस्ट बिजनेसमैन बन पाएंगे। और ये हम सभी की नीड है, हम सभी को यूज करने चाहिए प्रोडक्ट्स, जिससे क्या होगा, मैं प्रोडक्ट्स का दम भी पता लगेगा, प्रोडक्ट्स में कितना दम है, और साथ ही साथ जिस चीज में हम बिजनेस करने के लिए, इससे हमारा ट्रस्ट भी बढ़ेगा, राइट। तो आप यूज करिएगा प्रोडक्ट्स, प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग आप उनसे ले सकते हो जिन्होंने आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड करवाया। बाकी अच्छे तरीके से लर्निंग करते रहिएगा, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो आप ग्रो भी अच्छा करते रहेंगे, सीखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने, प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क नहीं हमारा, क्योंकि देखो हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, कोई ना कोई सर्विस होती है। तो फॉरएवर जिस प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है ना, तो उसकी क्वालिटी क्या है वो चीज आपको दिखानी भी जरूरी थी, ठीक है, इसलिए सेशन किया गया। बाकी मैं मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को ओवर करती हूँ सेशन को। एंड जैसा भी आज का आपको सेशन लगा, एक छोटी सी एक्टिविटी भी करनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी, वो एक्टिविटी मैंने ये बोला था कि आपको जैसा भी सेशन लगाना आप मुझे टैग करके बताइएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड फॉलो भी कर लीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड यहाँ पर आप मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं कि मैंने मेरी लाइफ को किस तरीके से सिस्टम से चेंज किया, और सेम आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो चाहते हो सभी लाइफ चेंज करना? हाँ जी, सभी चेंज करना चाहते होंगे, राइट। तो बाकी मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अगेन अपनी, सो दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, भावना शर्मा _official23। स्क्रीनशॉट ले, फॉलो भी कर ले, एंड जैसा भी सेशन लगा रिव्यू जरूर दीजिएगा। इसके अंदर ये लिंक है, बिटले का लिंक है, इस फॉर्म को फिल नहीं करना, ये बिगनर्स के लिए या आपके लिए नहीं है, आपने उनसे कांटेक्ट करना है जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है, बट इस फॉर्म को आपने फिल नहीं करना, अदरवाइज आपकी डिटेल्स ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी और आप आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में ज्वाइन है, ठीक है। आपने उन्हीं से कॉन्टेक्ट करना है जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है, अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। आगे आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, अगला हमारे एक Win23 कम्युनिटी का पेज है, उसको भी आप सभी ने फॉलो कर लेना, एंड वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
win23_community, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फॉलो कर ले, यहाँ पर सारी की सारी आपको अपडेट्स, बिजनेस के सब कुछ आपको मिलता रहेगा हमारे इस पेज के ऊपर। बाकी यहीं तक हमारा सेशन था, बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप सभी से, आप सभी को ट्रेनिंग देकर, और आप सभी ने भी अपना प्रीशियस टाइम निकाला लर्निंग के लिए, और ये लर्निंग आने वाले टाइम में बहुत बेस्ट आपको अर्निंग देने वाली है। बाकी मैं ओवर करती हूँ सेशन को, ऑल दी बेस्ट।